ये थोड़ा सोचने का विषय है। चलो ठीक है, हाँ नहीं, तो मैं तो यार आप सरकमस्टेंशियल एविडेंस जरा मैं दे देता हूं आपको। जब देखिए आप पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स में तो संत से अपेक्षा, संत होने की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। तो ये जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें जब लगता है कि भाई इनका ग्राफ बढ़ रहा है तो उनके स्टॉक को कम करो, फिर उनके स्टॉक को कम कर दिया, उनको पजामा में ले आया। इधर लगा कि भाई दूसरा स्टॉक बढ़ रहा है तो दूसरा स्टॉक को रोकने के लिए फिर जो कम वाला स्टॉक है उसको आगे बढ़ा दो, ये गेम चल रहा है। मेरा इशारा सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्मार्टली पॉलिटिक्स कर रही है और उस पॉलिटिक्स में वो नचा रही है। इस बात से तो आप स्वीकार करेंगे? नहीं है ना, अभी अभी देखिए उनको तो क्या है, अभी ये वो वाली बीजेपी नहीं है ना, जब पहले वाजपेयी जी के जमाने में जो रहती थी सीधा साधा संत का काम करने का, वो वैसी बीजेपी नहीं है। अभी इधर एक से एक चाणक्य बैठे, और खास करके अमित शाह जी है, साम दाम दंड भेद सब करने का, अपोजिट की स्क्रिप्ट भी हम नहीं लिखने का, पूरा टीवी चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कब्जा है, कोई बता ही नहीं पाएगा कोई न्यूज, तो ये है उनका वो। और बीच में तो एक जोक आ रहा था कि अमित शाह जी का फोटो, मीम्स जो आते हैं ना, तो अमित शाह जी का फोटो है, उसके आगे दो चार वर्ड लिखे हुए है कि देखो जहां हमारी सीटें जीत कर आती है वहां तो मैं सरकार बनाता हूँ, जहां कमाती है वहां तो मैं डेफिनेटली बनाता हूँ। और इसके नीचे सेकंड आ रहा था कि अगर देश विदेश में कहीं भी सरकार बनाना हो आमदनी एमएलए को खरीद फरोख्त करके, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो इस तरह के मीम्स चल रहे थे। तो ये जो अभी ये जो बीजेपी है अभी अमित शाह जी वाली, वो बहुत अलग है। वो जो काम पहले कांग्रेस करती थी ना, कि जैसा मनमोहन सिंह का जो था सरकार बचाने के लिए कैश एट होम केस, तो ये वो सब मामले में अभी ये आगे निकल गई है, और ये न्यू विजन के साथ, नए इसके साथ, तो ये सब, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो और भी कोई हो, यहां तक कि कांग्रेस के कई लीडर हो, उनकी स्क्रिप्ट बीजेपी ही लिख रही है, ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जाती, क्योंकि यही आरोप कांग्रेस उन पे लगा रही थी। जैसे अभी जॉर्ज सोरोस का विषय आया, तो कांग्रेस क्या लगा रही है कि वो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था जॉर्ज सोरोस। तो ये जो है ना, ये इनके सब आपस में, और आचार्य कृपलानी जी का एक वर्ड है ना कि जब दो राजनीतिक लीडर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, देन बिलीव बोथ, दोनों में भरोसा करो। ये ठीक है, अभी मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूं, मेन मुद्दा आप छूट गया है इसमें से। अभी देखिए पहली चीज, केजरीवाल जी का रोना क्या था, आप गौर करें, आज जो विषय चल रहा है ना ऑर्डिनेंस का, मैं इसी पे बात कर रहा हूं। जब पहली बार, और मैं आपको फेयरली बताता हूं, मैं खुद इस मत का था और आज भी हूं, किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में किसी भी एब्सोल्यूट पावर किसी भी तरह का नहीं जाना चाहिए। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो पावर का जिसके पास पूरा आ गया सेंट्रिक, वो उसका मिसयूज करेगा ही, तो नो, जाना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, जो केजरीवाल जी का जो पहले रहता था, तो मैं खुद अप्रिशिएट करता था, मैंने कहा यार नहीं, इनका भी कहीं ना कहीं सरकार रहना चाहिए, ये जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह से ये बता रहे हैं, तो इनका दिल्ली में सरकार आ गया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, एक एग्जाम्पल तो सेट हो जाएगा। फिर उन्होंने दिल्ली में कुछ अच्छा काम किया, ऐसा जो उन्होंने एक्चुअली मीडिया में फैलाया कि लोगों को राशन घर पे, ये सुविधा घर पे, जो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, लोगों को पसंद आया काम। फिर अभी इनका रोना शुरू हो गया कि यार मेरे पास हाथ में तो सादे कांस्टेबल की ट्रांसफर का पावर नहीं है, और मैंने आए बराबर, हाँ एक बात उन्होंने कहा था कि मैंने आते ही इसके ऊपर एफआईआर कर दिया था, कि इसके ऊपर शीला दीक्षित पे, लेकिन बीजेपी ने तुरंत शीला दीक्षित को बचाने के लिए हमारे पास से वो पावर निकाल लिया और इन्वेस्टिगेशन वगैरह एंटी करप्शन खुद के पास ले लिया, ऐसा उनका आरोप था। हटा लिया मेरे पास से हाँ, एंटी करप्शन हटा लिया। अभी ये उनका आरोप था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा पहले आरोप किया, और बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर कांग्रेस से ही उनके समर्थन से सरकार बना ली।
या फिर मेरे ख्याल से पहले सरकार बनी थी बाद में ये हुआ था ऐसा कुछ, ठीक है जो भी है, तो कांग्रेस का समर्थन अच्छा तब नहीं लिया होगा, बीच में आरोप किया शीला दीक्षित के खिलाफ में, बाद में खुद अभी कांग्रेस का समर्थन मांगते हुए घूम रहे। दूसरी चीज, तब भी मैंने क्या कहा, मतलब मैं अपने ग्रुप में जो कहता था, मैंने कहा चलो यार एक बार ना इनको एक ऐसा स्टेट मिलना चाहिए जहां पर पूर्ण स्टेट हो, जहां पर इनको इनका पूरा मौका मिले, कोई इनका गिला शिकवा रहे नहीं, और फिर ये देश देखेगा कि सही में कितना काम कर रहे हैं। तो अभी आप गौर कीजिए, भगवान ने वो भी चार दे दिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण सरकार है, फुल मेजोरिटी है, और पूर्ण स्टेट है, और सदन स्टेट है, मतलब पैसे की ना कमी है ना पावर की कमी, ठीक है। अब सरकार आकर कितने दिन हो गए, एक्सेप्ट इन्होंने अगर ये सुविधा दी है कि ये इसका बिजली का ये जो भी सुविधा दी है वो छोड़ के, ऐसा क्या किया इनकी सरकार ने जो सब सारे सीएम से सारे पार्टियों से हटके, ये जो बार बार कहते हैं ना कि वी आर पार्टी विथ डिफरेंस, ये यही खुद इनके जो भी तथाकथित बिल एंड मिलिंडा गेट्स ग्रुप होगा या चाहे और भी जो भी ग्रुप होगा सोरोस का वगैरह, जहां कहीं से भी फिर इनको ये आते होंगे, इनके न्यूयॉर्क टाइम्स में इनके फेवर में छपता होगा, या फिर मैगसेसे पुरस्कार जो जिसकी कोई हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं है वो उसका प्रोपोगंडा कह जाता होगा कि इनको मैगसेसे मिला, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप हमको बताइए पंजाब में ऐसा क्या आपने विशेष कर दिया, कितने कितने महीने हो गए पंजाब की सरकार बनकर, कितने दिन हो गए,